नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जानिए क्यों चर्चा में है आईएएस नम्रता जैन की शादी, कौन है उनका हम सफर। छत्तीसगढ़ के 2019 बैच की आईएएस अफसर नम्रता जैन की शादी चर्चा में है। आईएएस नम्रता जैन ने महासमुंद्र कोर्ट में अपने करीबी मित्र और ट्रेनी आईपीएस अशोक कुमार रखेचा के साथ बेहद सादगी से विवाह किया है। शादी में कलेक्टर बना मंडप और प्रशासनिक अधिकारी बाराती के रूप में नजर आए। दोनों अधिकारियों ने लोगों को संदेश देते हुए खर्चीली शादी से परहेज किया और अपने अपने परिवार की मौजूदगी में कोर्ट में रजिस्टर्ड शादी की। नम्रता जैन 2019 बैच की आईएएस अधिकारी है। वर्तमान में वह महासमुंद के सरायपाली में बतौर एसडीएम पदस्थ है। वहीं अशोक आईपीएस ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में है। दोनों अधिकारियों की मुलाकात साल 2015 से 16 के बैच में हुई थी। पढ़ाई के दौरान ही दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली गए थे। यहीं दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर दोस्ती को रिश्ते में बदलने पर सहमति बनी। आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी सादगी पूर्व ढंग से बीते शुक्रवार को कोर्ट में बिना किसी तामझाम के जीवन साथी बन गए। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह, एसपी दिव्यांग पटेल, जिला पंचायत सीईओ आकाश शिकारा, सभी डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार सहित विभागीय कर्मचारी इस मौके पर कोर्ट में मौजूद रहे। सभी ने नवदाम्पत्तिक अधिकारी को नवजीवन की बधाई दी। नम्रता जैन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आती हैं। दंतेवाड़ा जिले की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। नक्सली हमलों के अलावा जिलों में घरेलू हिंसा और बेरोजगारी की उच्च दर भी है जो जिले के विकास को प्रभावित करती है। अपने क्षेत्र में ऐसी समस्याओं और सीमित संसाधनों के बावजूद नम्रता ने हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की परीक्षा को पास करके दिखाया है। नम्रता के पिता एक व्यवसायी थे और उनकी माँ एक गृहिणी थी। उन्होंने 10वीं कक्षा निर्मल निकेतन स्कूल गीदम दंतेवाड़ा से और 12वीं केपीएससी भिलाई स्कूल से की। नम्रता ने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई से इंजीनियरिंग में स्नातक किया। नम्रता बचपन से ही सिविल सेवा के सपने को साकार करना चाहती थी। इसकी तैयारी के लिए वह दिल्ली गई। दिल्ली में उन्होंने पाठ्यक्रम और परीक्षा में प्रश्नों से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में सीखा। 2015 में वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाई थी। 2016 में वह दंतेवाड़ा वापस आ गई। दंतेवाड़ा में यूपीएससी परीक्षा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिली, न ही जिले में कोई अच्छा कोचिंग संस्थान उपलब्ध था। इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करने का फैसला किया। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए उन्होंने एक और कोचिंग ज्वाइन की। नम्रता ने 2017 में अपने दूसरे प्रयास में 99वीं रैंक हासिल की, जिसके बाद उन्हें भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए चुना गया। लेकिन नम्रता का सपना था कि वह आईपीएस बने, इसीलिए उन्होंने फिर से मेहनत की और यूपीएससी परीक्षा दी। नम्रता ने 12वीं रैंक हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया। वर्तमान में नम्रता जैन महासमुंद के सरायपाली में बतौर एसडीएम पदस्थ हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।